हेलो एवरीवन, इट्स पीकू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे बेसिक बिगिनर कॉर्ड्स और यू कैन से ओपन कॉर्ड्स। और ये कॉर्ड्स जो है मैंने सीखी थी जब मैंने गिटार पे जाना शुरू किया था, स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में सीखी थी। तो अगर आप ये सीख लोगे तो आप 90% बॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो। सो ग्रैब योर गिटार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो टोटल हम सीखेंगे 11 कॉर्ड्स, और अगर ये लेसन काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दूंगी। तो पार्ट 1 यानी कि आज के लेसन में हम सीखेंगे ए माइनर, ए मेजर, सी मेजर, ई माइनर, ई मेजर। तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले सीखेंगे कि कॉर्ड चार्ट या कॉर्ड डायग्राम कैसे रीड किया जाता है। ओके, सो हमने जो ये एग्जांपल लिया है ये ए माइनर कॉर्ड का है। ए माइनर को हम ऐसे लिखते हैं, ए कैपिटल्स एंड माइनर स्मॉल। जब भी कोई माइनर कॉर्ड होती है उसके आगे छोटा एम लिखा जाता है, और अगर कोई मेजर कॉर्ड है तो उसको सिर्फ कैपिटल लेटर जैसे ए बी सी ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन अगर साथ में माइनर भी है, माइनर कॉर्ड है, तो हम लिखेंगे ए माइनर छोटा सा एम उसके फुट पे, लेटर के फुट पे। ओके, सो ये बॉटम वाली साइड में हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं, और ये हमारी है 6th स्ट्रिंग, ये है 5th स्ट्रिंग, ये है 4th स्ट्रिंग, ये है 3rd स्ट्रिंग, ये है 2nd एंड ये है 1। सो ये जो 2nd दूसरी साइड है राइट साइड में, उस साइड हमारे फ्रेट्स होते हैं, ठीक है, गिटार में जो फ्रेट बोर्ड है। सो ये हमारा हुआ 1st फ्रेट, 2nd फ्रेट, 3rd फ्रेट एंड लास्ट 4th फ्रेट। हम सिर्फ 4th फ्रेट तक ही बना रहे हैं इसमें, क्योंकि हम कॉर्ड्स में इससे आगे नहीं जाएंगे। तो ये हमारा 1st फ्रेट हो गया, 2nd हो गया, 3rd हो गया, 4th हो गया। अब अगर आप यहाँ से सर्कल देख रहे हो, ये ब्लू सर्कल जिसमें 1 लिखा है, इसका मतलब है 1st फिंगर, यानी कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर यहाँ पे रखोगे। 2 का मतलब है कि यहाँ पे आप अपनी मिडिल फिंगर रखोगे। 3 का मतलब है यहाँ पे अगर आप अपनी रिंग फिंगर रखोगे। तो अगर 4 भी लिखा होता इसका मतलब था कि आप अपनी पिंकी फिंगर उस स्ट्रिंग पे रखोगे, ठीक है। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, जहाँ पे आपने ब्लू, अगर आप ध्यान से देखो जहाँ पे 1 लिखा है उसका मतलब है वो 1st फ्रेट है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर आप फ्रेट बोर्ड फ्रेट वाली लाइन में देखो और स्ट्रिंग वाली लाइन में देखो तो वहाँ पे 2 लिखा है, यानी कि वो फ्रेट 1 है और 2nd स्ट्रिंग पे आपको कौन सी फिंगर रखनी है, 1st फिंगर। ऐसे ही जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 फिंगर लिखा है मतलब ब्लू सर्कल में, उसका मतलब है कि आप कौन से फ्रेट में हो, 2nd फ्रेट में। आप ध्यान से देखो फ्रेट वाली लाइन में जाके तो वो 2nd फ्रेट है, और स्ट्रिंग कौन सी है, 4th। तो इसका मतलब आपको 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिंग पे अपनी 2nd फिंगर रखनी, यानी कि मिडिल फिंगर, ठीक है। अब जैसे 3 लिखा है, 3 सर्कल में जो लिखा है वो लिखा है फ्रेट 2nd और 3rd स्ट्रिंग पे, तो उसका मतलब क्या हुआ, 3rd स्ट्रिंग पे तो वो लिखा है 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे। तो अपनी रिंग फिंगर आप रखोगे 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग। ओके, तो इस क्रॉस का मतलब है कि हम ये स्ट्रिंग्स, ये वाली स्ट्रिंग हम प्ले नहीं करेंगे। ओके, तो यानी कि ए माइनर कॉर्ड पे 6th स्ट्रिंग प्ले नहीं होती। सो ए माइनर के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स फिंगर रखेंगे 1st फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, 1st फ्रेट 2nd स्ट्रिंग। हमारी मिडिल फिंगर आएगी 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिंग, 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिंग, और हमारी रिंग फिंगर आएगी मिडिल फिंगर के नीचे यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग। तो इंडेक्स फिंगर कहाँ आई, 1st फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, मिडिल फिंगर 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिंग, रिंग फिंगर 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग। हमेशा याद रखें कि ये हमारी 6th स्ट्रिंग है, ये 1st, ये 6th नहीं है। ओके, सकते ऊपर से काउंट, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 नहीं कर सकते, हमेशा नीचे से होता है 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हमारी है ए माइनर। ए माइनर के लिए हम प्ले करते हैं 5 नोट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बाकी नीचे के सारे नोट्स प्ले करते हैं। ओके, 6th स्ट्रिंग हम प्ले नहीं करते इसमें। This is A minor. Next हमारे पास आएगी A major. Index finger आएगी हमारी, जहाँ पे पिछली बार हमारी middle finger थी, index finger कहाँ आएगी, 2nd fret 4th string. Middle finger कहाँ आएगी, 2nd fret 3rd string. और ring finger कहाँ आएगी, 2nd fret 2nd string. Index finger 2nd fret 4th string. मिडिल फिंगर 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, रिंग फिंगर 2nd फ्रेट 2nd स्ट्रिंग। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इसमें फिंगर को जितना पास पास रखो उतना बेहतर है, क्योंकि आपकी ये फिंगर इसके पास नहीं होनी चाहिए, 2nd फ्रेट ये है, तो इसके पास होनी चाहिए आपकी इंडेक्स फिंगर जितना हो सके। अगर आप इतनी दूर रखोगे तो आपका नोट्स बज हो सकता है, जितनी पास होता है उतने अच्छा नोट प्ले होता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है इतनी पास पास रहेंगी आपकी ये इंडेक्स फिंगर, ज़्यादा दूर ना जाए, इस साइड रहे। ओके,
दिस इज ए मेजर. सो नेक्स्ट कॉर्ड हम करेंगे सी मेजर. सी मेजर में भी पांच स्ट्रिंग्स प्ले होती हैं, ठीक है, ए मेजर और ए माइनर की तरह ये पांच, ओके, नो सिक्स स्ट्रिंग यहाँ पे क्रॉस होगा. सी प्ले करने के लिए हमारी इंडेक्स फिंगर आएगी फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग. मिडल फिंगर आएगी सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग. एंड रिंग फिंगर आएगी थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, ओके, फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग. और आपका थंब यहाँ पे आएगा, ए माइनर में भी आपका थंब इधर आएगा, ओके, इस तरह से आएगा आपका थंब. स्ट्रिंग को प्रेस नहीं कर रहे, बस यहाँ पे रेस्ट कर रहा है ऊपर जो ये वुड पार्ट है, सिर्फ यहाँ पे, ओके. सी में भी ऐसे ही आएगा, थोड़ा सा आगे आगे इस साइड को, इधर थोड़ा इस साइड था, इधर थोड़ा इस साइड हो गया, ठीक है. तो थंब की पोजीशन भी आप नोट कर लो, इस तरह से होती है, ओके. तो सी मेजर क्या हुई, ओके. अब नेक्स्ट हम करेंगे ई माइनर एंड ई मेजर. तो सबसे पहले करते हैं ई माइनर. ये हमारी ई माइनर होती है और ई माइनर में हम सिक्स की सिक्स स्ट्रिंग्स प्ले करते हैं, ओके. ई मेजर में भी दोनों में सिक्स स्ट्रिंग्स प्ले होती है. तो ई माइनर कैसे प्ले करते हैं, मिडल फिंगर आपकी आएगी सेकेंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग एंड सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग में आएगी हमारी रिंग फिंगर. सो ये है हमारी ई माइनर. आई थिंक ई माइनर सबसे सिंपल कोड है, इसको सीख के मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि ऐसा लग रहा था गिटार प्ले करना आ गया. तो हमने क्या करना है, पूरी सिक्स स्ट्रिंग्स प्ले करनी है, ओके. ई माइनर, अगर आपको ई माइनर को ई मेजर बनाना है तो आपको बस अपनी इंडेक्स फिंगर को थर्ड स्ट्रिंग पे रखना है, फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग. ये हमारा है फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, ओके. ये बन गया हमारा ई मेजर. ये हमारा क्या था, ई माइनर. तो जैसे ही आप रखोगे अपने इंडेक्स फिंगर को फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, तो ये बन जाएगा ई मेजर. और हम प्ले क्या कितनी स्ट्रिंग्स करेंगे, पूरी सिक्स स्ट्रिंग्स. ई मेजर. सो आपको प्ले कैसे करना है इन सब कॉर्ड्स को, सिंपल. ए माइनर प्ले कर रहे हो जैसे, तो हम क्या करेंगे, डाउन 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 डाउन. ई माइनर प्ले कर रही हूँ, डाउन 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 डाउन. फिर सी कर रही हूँ, ओके. आपको शुरू में सिर्फ स्ट्रोक्स करने हैं, आप इस बारे में मत सोचोगे. शुरू में आपका मेन फोकस होना चाहिए फ्रेटिंग हैंड में. आपको ये देखना है कि आप कॉर्ड शेप ढंग से प्ले कर रहे हो या नहीं, और दूसरा आपको ये चेक करना है कि आपकी हर एक स्ट्रिंग जो है वो सही से बज रही हो, यानी कि आपका हाथ किसी और स्ट्रिंग को टच ना कर रहा, आपकी फिंगर. तो जहाँ पे आपकी फिंगर जिस स्ट्रिंग को प्ले करना है, जिस फिंगर को, वो फिंगर उसी प्लेस पे होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ओके. तो जब आप प्ले करोगे बिल्कुल क्लीन आवाज़ आनी चाहिए, ओके. आपको यही चेक करना है कि आपकी बिल्कुल क्लीन आवाज़ आ रही है कि नहीं. जी तो आप क्या करोगे, डाउन स्ट्रोक्स. और फिर जब आपको लगे कि आप कॉर्ड्स शेप प्ले कर पा रहे हो, तो आप अप डाउन कर सकते हो, ठीक है. अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ओके. और आपको इस चीज़ में भी थोड़ा टाइम लगेगा कि जो स्ट्रिंग प्ले करनी है, अगर आप कई बार ऐसा हो सकता है कि सी प्ले कर रहे हो और आपने सिक्स स्ट्रिंग भी प्ले कर दी, इतना मत सोचना. बस आपको कोशिश ज़रूर करनी है कि आप बिल्कुल वही स्ट्रिंग्स प्ले करें जो आपको उस कॉर्ड के साथ करनी है. धीरे धीरे आपको आ जाएगा इस चीज़ में,
आई वुड से कि इसमें बहुत टाइम लगता है एक्चुअली. तो इस चीज़ का ये है कि जब आपकी कॉर्ड्स धीरे धीरे परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो ये अपने आप ही परफेक्ट हो जाएगा. जब आपको लगे कि आप डाउन स्ट्रोक अप स्ट्रोक अच्छे से कर पा रहे हो, तो अगर आपको स्ट्रमिंग पैटर्न सीखना है कोई, तो आप इस वीडियो में क्लिक कर सकते हो. ओके, अगर आपको कोई बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न सीखना है बिगिनर्स के लिए, और अगर आपको कॉर्ड्स शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है जैसे ए माइनर टू सी जाना, ये लेसन जो है वो शिफ्टिंग के लिए नहीं है. सिर्फ मैं आपको इसमें कॉर्ड्स बता रही हूँ. 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको टिप्स दिए थे कि आप कैसे शिफ्ट कर सकते हो किसी भी कॉर्ड्स के बीच में. तो वो टिप्स फॉलो करोगे तो आप जल्दी सीख पाओगे कॉर्ड शिफ्टिंग. कॉर्ड शिफ्टिंग तो आपको खुद ही सीखनी है, बस वो टिप्स आपको हेल्प करेंगी. तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन पार्ट 2 जिसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे ये लेसन. एंड टिल देन बाय बाय.